हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे मीठी बूंदी प्रसाद के लिए। सबसे पहले हमें बाउल और छन्नी लेना है। इसमें हम ये बेसन को छान लेंगे फ्रेंड। ये 100 ग्राम हमारा बेसन है। हम उसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा ऐड करेंगे फ्रेंड। अब इसका बैटर बनाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। करके पानी हमें ऐड करना है, एक साथ में कभी पानी मत डालें, जितना जरूरत है उतना ही हम डालेंगे। लम्स और गुठली ना रहे उसका हमें ध्यान रखना है फ्रेंड। ये बेटर बन के हमारा रेडी है फ्रेंड। अभी इसको हमें रेस्ट देना है 10 मिनट के लिए। ना ज्यादा पतला चाहिए ना ज्यादा गाढ़ा चाहिए हमें बेटर। चलो हम 10 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। अच्छा, फ्लफी चाहिए बेटर हमें। अच्छा सा लाइट कलर का आ जाए तब तक हमें फेंटना है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना कलर चेंज हो गया हमारा बैटर का अच्छे से फेंटने से। हमें ऐसा बैटर चाहिए फ्रेंड। बूंदी के लिए हम लोग चाशनी बनाएंगे फ्रेंड। हम गैस ऑन करेंगे और एक पैन रखेंगे। जितना हमने बेसन लिया था उसी से हम चीनी लेंगे फ्रेंड और पानी डालेंगे हम। हमने 1 गिलास पानी ऐड किया है फ्रेंड। ये हमने फूड कलर लिया है फ्रेंड, लेमन येलो फूड कलर है हमारा, वो हम ऐड करेंगे। और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये मेरे पास बूंदी बनाने का जा रहा है फ्रेंड। ये बूंदी बनाने का जा रहा है, मैंने बर्तन वाले दुकान से मैंने बाय किया है फ्रेंड। जो आप लोग घर पे यूज करते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड बूंदी बनाने के लिए। ये तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है फ्रेंड। तेल हमारा गर्म है। ये जारे में हम बैटर डालेंगे जो हमने रेडी करके रखा है। इसे हमें टैप करना है जारे को, स्लो गैस पे हमें रखना है फ्रेंड। इसको हमें पलटना है फ्रेंड ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है फ्रेंड। फ्रेंड आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे प्लीज, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ये बूंदी हमारी फ्राई हो चुकी है फ्रेंड, हम निकाल लेंगे। कितनी अच्छे से हमारी बूंदी रेडी हो चुकी है घर पे। किसी भी गेस्ट के लिए आप बनाएंगे तो कोई भूल ही नहीं सकेगा कि आपने घर पे बनाई है फ्रेंड। जरूर ये वीडियो आप फॉलो करें और बनाइए। ये बूंदी मेरी फ्राई हो चुकी है। चलो अब चाशनी को हल्का गर्म कर लेते हैं। हमने गैस ऑन किया है, चाशनी को हमें हल्का गर्म करना है फ्रेंड। इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा। ये हमने 3-4 लौंग लिए है फ्रेंड ताकि अच्छा सा अरोमा आए अंदर हमारे बूंदी में। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम लौंग को हटा देंगे फ्रेंड।
थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे हम, ये डालना ऑप्शन है फ्रेंड। ये लौंग को हम हटा देंगे फ्रेंड। ये चाशनी हमारी हल्की गर्म है, उसी में हम ये बूंदी ऐड करेंगे फ्रेंड। अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्रेंड ताकि हमारी बूंदी अच्छे से चाशनी पी ले। इसको हमें 3-4 घंटे के लिए छोड़ देना है फ्रेंड, ऐसे कवर करके। चलिए फ्रेंड 4 घंटे के बाद चेक कर लेते हैं। ये हमारे बूंदी ने अच्छे से शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर लिया है। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, पर मैंने 4 घंटे रखा है फ्रेंड। इसके ऊपर हम कटे हुए ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, बादाम और पिस्ता ऐड करेंगे हम कटे हुए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड आपको ये मेरी बूंदी का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज 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 लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूले। फिर मिलते हो, तब तक के लिए बाय।